अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं आसमान कुकिंग स्पॉट, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हम मूंग और माश की दाल से भल्ले बनाएंगे और फिर उनको फ्रीज कर लेंगे ताकि हम उनको रमज़ान में इस्तेमाल कर सकें। तो देखते हैं ये सॉफ्ट और स्पंजी से भल्ले किस तरह से बनेंगे। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली सब रेसिपीज आपको फ्री में मिल जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरिंग कप से मेजर करके एक ही जितनी एक कप माश की दाल ली है और उसी मेजरिंग कप से एक कप मूंग की दाल लेंगे, पीली वाली धुली हुई दाल जो होती है, और उसको हम मिक्स कर लेंगे और ओवरनाइट भिगो देंगे। उसको पूरी रात जितने भीगी रहेगी उतनी अच्छी फूलेगी। तो देखें ये दाल ओवरनाइट सोख हुई है और ये देख सकते हैं आप, ये फूल के मोटे मोटे दाने बन गए हैं, तो हमें ऐसी ही चाहिए थी। तो चलें अब इस दाल को हम ग्राइंडर में डाल लेते हैं। अगर आपका ग्राइंडर का जग बड़ा है तो ये सारी दाल एक ही दफ़ा में हो जाएगी, नहीं तो आप इसको बैचेस में कर लें। तो दाल जब हम ग्राइंडर में डालेंगे ना तो पानी इसके अंदर थोड़ा सा, जैसे 3-4 टेबल स्पून होता है, तो वो रहने देना है, सारी दाल को स्ट्रेन नहीं कर दीजिएगा। चलें साथ साथ इसको ग्राइंड करते जाएंगे और साथ साथ इसको रोक कर इसकी दाल जो साइडों पर लग जाती है उसको भी नीचे करते चले जाएंगे। पानी की ज़रूरत होगी तो 1-2 टेबल स्पून ऐड करते जाएंगे। पानी ऐड करते हुए ख्याल रखना है ये ना हो कि हमारा बैटर लूज़ हो जाए, बस साथ साथ 1-2 टेबल स्पून के हिसाब से डालते जाएंगे। तो इस तरीके से जग के साथ लगे हुए सारे जो हम दाल है वो उसको बार बार साथ साथ हम उसको नीचे करते जाएंगे और ग्राइंडर को चलाते जाएंगे जब तक कि हमारा एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाता है। तो आपने देखा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगभग 2 टेबल स्पून और ऐड किया था और अब हमारा ग्राइंडर जो है वो एक अच्छी रफ्तार से चल रहा है और सारे दाल के दाने जो हैं वो घूम के सही से मिक्स हो रहे हैं इसमें। तो अब दाल जो है वो मुकम्मल तौर पे पिस चुकी है और हम देख सकते हैं इस पे कि ग्राइंडर के साथ लगाकर ये एक बहुत ही अच्छी सी पेस्ट बन गई है जैसी कि हमें चाहिए। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ पेस्ट बनी है। तो अब इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस, एक ग्रीन चिली जाएगी, हम इसको काट के इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा सा जायका आएगा, थोड़ा सा तीखा सा। 1/2 टेबल स्पून इसमें हम ज़ीरा डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी क्रश पेपर, जो दरदरी मिर्च होती है वो वाली, और सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून। और 1/4 टीस्पून अजवाइन का डाल देंगे ½ टेबल स्पून इसमें जाएगा जिंजर पेस्ट, अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून डाल लीजिए, और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट। तो चलें जनाब सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जा चुके हैं तो ग्राइंडर को फिर से चला लेते हैं। और अब की बार हमने इसको इतना चलाना है, इतना चलाना है कि इसके अंदर डलने वाली सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और एक अच्छा सा बैटर बन जाए। तो देखें तकरीबन 1-2 मिनट हमने फास्ट स्पीड पर चलाया है तो ये सब कुछ इसमें मिक्स हो गया है और इस तरह का बैटर हमें चाहिए था और ये भल्ले बनाने के लिए बहुत ही अच्छी पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। चलें अब इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अच्छा इसको फोल्ड करते वक्त बहुत ही एहतियात से काम लेना है, ऐसा ना हो कि जो ग्राइंडिंग के दौरान इसके अंदर हवा भरी है ना, एक एयरी टेक्सचर इसका बना है वो ख़राब हो जाए। तो इसको हम बस सॉफ्ट फोल्ड देंगे, इसको काटेंगे नहीं दरमियान से, या वो जो फेंटते हैं उस तरह से नहीं करेंगे। तो चलें इस स्टेज पर इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट फोल्ड करना है, इसको दरमियान से बिल्कुल काटना नहीं है,
ताकि इसके अंदर जो एयर और बबल्स क्रिएट हो रहे हैं ना सोडे के साथ, बेकिंग सोडे के साथ और पाउडर के साथ, वो बिल्कुल भी ब्रेक ना हो और हमें जिस तरह का फोमी टेक्सचर चाहिए वो बन जाए इसका। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसका व्हिप्ड किस्म का और टेक्सचर बनना शुरू हो गया है। इसके अंदर जो एयर है वो सारे फॉर्म होके इसको थोड़ा सा उसने लाइट कर दिया है। आपको उसकी फोल्डिंग से पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा लाइट हो गया है। अब इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा बॉल में पानी लेके इसके अंदर आप एक या दो तीन बूंदें इसकी डालेंगे बैटर की। अगर तो फ्लोट हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये पकने के लिए रेडी है, फ्राई करने के लिए। तो हमारा जो है वो बिल्कुल फ्लोट हो रहा है और रेडी है। तो चलें, कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर और इसको टेस्ट करने के लिए एक स्टिक को इसमें डालेंगे और देखें इस तरीके से जब थोड़ी देर के बाद स्टिक जो है वो बबल बनाए तो ऑयल रेडी हो गया है फ्राइंग करने के लिए। तो चलें फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। और मैंने जनाब ले लिया है एक टेबल स्पून खाना खाने का चम्मच और उसको भर के वो मैंने एक मेजरिंग का साइज़ रखा है अपने भरनों के लिए। मुझे थोड़े मीडियम साइज़ के पसंद हैं। आपको अगर लार्ज पसंद है तो आप इससे बड़े साइज़ का स्पून, जो सर्विंग स्पून होता है, वो लेके उससे बना लीजिए। तो देखें जब हम बैटर को ड्रॉप करेंगे ना तेल में तो वो जैसी भी शेप में गिरेगा वो मैटर नहीं करती, क्योंकि जैसे ही ये बनने शुरू होते हैं, फूलने शुरू होते हैं, ये राउंड हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे फूलते जा रहे हैं ये गोल होते चले जा रहे हैं और ये बड़े मज़े से फ्लफ़ी हो रहे हैं और तैरना शुरू कर दिया है इन्होंने ऑयल में। तो देखें इनको हल्का सुनहरा होने तक हमने पकाना है। इसको बहुत ज़्यादा गर्म तेल में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे वरना ये बाहर से जल्दी डार्क हो जाएंगे और अंदर इनकी गुठली रह जाएगी। और अगर हमने लो फ्लेम पे इस्तेमाल किया इसके लिए तो फिर जनाब ये तो सारा तेल पी जाएंगे और भरे से हो जाएंगे। सो फ्लेम जो है वो बहुत मैटर करता है कि कितनी हीट पर ये पकेंगे। सो हम इसको मीडियम से थोड़ा सा हाई वाली साइड पर पकाएंगे, लो वाली साइड पर नहीं। तो देखें कैसे ये मज़े से जनाब गोल गोल घूम रहे हैं, बीच में फ्लोट कर रहे हैं, जिधर जिधर दिल कर रहा है ये जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और मज़े मज़े से पक रहे हैं। और भले चूँकि दही बड़ों की जान होते हैं और इसकी रेसिपी का नाम ही ये है तो इनका अच्छा बना होना बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है ताकि आप घर में जब इनको तैयार करें तो बिल्कुल परफेक्ट बने। और दूसरे घर में बनी हुई चीज़ साफ़ सुथरी होती है, घर के अपने ही इंग्रेडिएंट से बनाई गई होती है, तो इसमें ज़ाहिर है आपके बचत का आंसर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को पहले से ही तैयार करके रख लेना चाहिए ताकि घर में मौजूद हों, जब दिल किया उस वक्त बना लिया। तो देखें हल्का सुनहरे हो गए हैं ये और इनको मैंने बाहर निकाल लिया है। इनको स्ट्रेनर में या पेपर टॉवल पर रख देंगे और बैचेस में सारे तैयार कर लेंगे। तो देखें मेरे सुनहरे सुनहरे गोल्डन ब्राउन से अच्छे से भले बन गए हैं। मैंने बारी बारी बैचेस में भले फ्राई करके इस तरीके से जाली में डाल के रख लिए हैं ताकि ड्रेन हो जाए। तो देखें ये प्री रमज़ान प्रिपरेशंस हैं जो हम तैयारियां रमज़ान के आने से पहले करके रख लेते हैं, चीज़ें कुछ फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि रमज़ान में आने वाला जो टाइम है उसको हम खूब अच्छे से इंजॉय कर सकें और मज़े मज़े की डिशेज़ बना सकें। तो ये देखें ये सारे भल्ले बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इनको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये तकरीबन इसको हम आधा घंटा या एक घंटा रखेंगे, जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो फिर हम इनको स्टोर करेंगे। तो चलें एक ज़िपलॉक बैग में इनको डालकर इनको फ्रीज़र में रख लेंगे और ये महीना भर आराम से चल जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।